आज हम फ्री का ग्रो बैग बनाना सीखेंगे। तो ये मेरे पास डिटर्जेंट की थैली है, ये 5 kg की थैली है, बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत आती है। यूं ही कबाड़े में फेंक देने से अच्छा है इसका क्यों ना कुछ उपयोग कर लिया जाए। तो इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है जिससे कि ये बाहर से भी देखने में अच्छी लगे और कोई पहचान ना सके कि हमने इसे खाली और बेकार पॉलीथिन को इस तरह से ग्रो बैग में यूज़ किया है। तो जी हाँ, आज ग्रो बैग बनाएंगे हम फ्री का, और फ्री का प्लांटर बना करके तैयार करेंगे। तो वीडियो में आगे बनी रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ये फ्री का ग्रो बैग बनाने के लिए, इस तरह से देखिए मैंने ये बना लिया है। इसमें कोई सिलाई नहीं है, कोई कुछ मेहनत नहीं है, सिर्फ खाली पॉलीथिन थी जिसको मैंने इस तरह से पलट दिया है। और यहाँ पर मेरे प्लांट की सूखी पत्तियाँ हैं जिनको मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पत्थर टुकड़े या गमले के टूटे हुए टुकड़े भी डाल सकते हैं। ये ईजी है, बहुत ही आसान है। मैं इस तरह से सूखी पत्तियाँ और टहनियाँ रखे रहती हूँ, तो उसको मैंने नीचे सेंटर में डाल दिया, क्योंकि जब हम ड्रेन होल बनाएंगे तो ड्रेन होल में मिट्टी ना फंसे इसके लिए इस सूखी टहनियों का प्रयोग करेंगी, और ये आसानी से कंपोस्ट भी हो जाएंगी और एक खाद का रूप ही लेंगी। तो देखिए, फ्री का ग्रो बैग है हमारा, ये ग्रो बैग अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। आप इसमें कोई भी प्लांट लगाइए। मेरे पास ये स्नेक प्लांट है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में मैंने कुछ स्नेक प्लांट को रिपोर्ट किया था। उसके मैंने बोला भी था कि ना मैं एक प्लांट अलग से आपको दिखाऊंगी जो मैं एक ग्रो बैग में तैयार करने वाली हूँ। तो देखिए, इजीली से ये एक अच्छा सुंदर सा प्लांटर बनकर के तैयार हो गया है। हम ड्रेन होल बनाएंगे, तो इसमें आप पहले भी बना सकते हैं या इस तरह से बाद में बना दें। तो ये इसमें क्या है कि जब भी हमारा पानी वगैरह डालेंगे इसमें, या कभी बारिश के कारण इसके पेड़ सड़ेगा नहीं और इसमें पानी आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए, फ्री का ग्रो बैग बन करके तैयार हो गया। और इसलिए देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अधिकतर कई बार मैंने अपने प्लांट भी लगाए, उसमें मैंने टमाटर का है, एक प्लांट और है, मिर्ची का प्लांट लगा है और एलोवेरा का भी लगा है। यहाँ देखिए, सेकेंड प्लांट मिर्ची का लगाया हुआ, ये मैंने अभी स्नेक प्लांट आपके सामने ही लगाया हुआ है। और एक और ग्रो बैग में है मेरे स्नेक प्लांट, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये मैंने पत्ती से ही ग्रो किया और काफ़ी अच्छे से हो गया है। तो देखिए, फ्री के प्लांटर बन करके तैयार हो गए बेकार और बेकार चीज़ों से। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।